तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद ही कमाल का वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो Z1 Pro के 18 प्लस हाइडन फीचर, बेस्ट फीचर, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हिडन फीचर जो है वो हमारा है स्मार्ट क्लिक। अब स्मार्ट क्लिक जो है वो आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में देखने को मिल जाएगा। तो फ़ोन के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और सिंपली सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्मार्ट क्लिक। अब स्मार्ट क्लिक क्या है दोस्तों? स्मार्ट क्लिक का मतलब ये है कि यहाँ से आपको सिंपली सबसे पहले इसको ऑन करना है, और ऑन करने के बाद क्या होगा कि स्मार्ट क्लिक में आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, या फिर इनेबल ऐप का ऑप्शन दिया गया है। इनेबल ऐप के द्वारा आप कोई भी ऐप को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा कि आप अपनी मतलब फ़ोन लॉक में वॉल्यूम माइनस बटन को 3 सेकंड तक जैसे ही प्रेस करके रखोगे, तो आपने यहाँ पे जिस भी चीज़ पे सिलेक्ट करके रखा है वो आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी। तो मैंने टर्न ऑन ऑफ फ्लैशलाइट पे रखा है, तो मैं वॉल्यूम माइनस बटन को 3 सेकंड तक लॉक स्क्रीन में जब भी प्रेस करूँगा तो मेरी फ्लैशलाइट जो है वो ऑटोमेटिक से जल जाएगी। अब चलते हैं सेकेंड फीचर की ओर। तो सेकेंड फीचर है दोस्तों हमारा ऐप क्लोन। अब ऐप क्लोन क्या है दोस्तों? ऐप क्लोन भी बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है दोस्तों। तो ऐप क्लोन ये है कि आप अपने फ़ोन में 2 WhatsApp, 2 Facebook और 2 Instagram चला सकते हो, वो भी बिना किसी अदर एप्लीकेशन के मदद से। दोस्तों, ये आप अपने फ़ोन के द्वारा ही इनेबल कर सकते हो, फ़ोन के सेटिंग्स के द्वारा ही, ऐप क्लोन के द्वारा ही इसको आप इनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये मतलब कैसे इनेबल करना है? तो कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपली से आपको अपने व्हाट्सएप का ऐप क्लोन बनाना है तो उस पर ऑन कर देना है। अब यहाँ पे डुप्लीकेट आइकन एडेड टू योर होम स्क्रीन आ गया। तो अब देखिए, मेरी जो व्हाट्सएप है, एक सेकेंड व्हाट्सएप करके हमारे फ़ोन में जो है वो आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ से जो है ऐप क्लोन हमारी बन गई है। अब मानिए इसे फिर से हटाना है, तो यहाँ से सिंपली से ऑफ करेंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो हमारी जो सेकेंड व्हाट्सएप जो होगी वो डिलीट हो जाएगी। वन व्हाट्सएप तो रहेगी, यहाँ से सेकेंड बनेगी और सेकेंड डिलीट होगी। और यहाँ से उसी तरह आप लोग जो है फेसबुक का भी बना सकते हो, इंस्टाग्राम का भी बना सकते हो। तो दोस्तों, इससे होगा क्या कि मतलब आप चाहते हो कि 2 WhatsApp अकाउंट चलाऊँ, 2 Facebook अकाउंट चलाऊँ, 2 Instagram चलाऊँ, तो वो आसानी से चला सकते हो। पहले होता था क्या कि आपको किसी अदर एप्लीकेशन की, प्राइवेसी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती थी, तब जो है आप दो अकाउंट चला सकते थे एक ही फ़ोन में। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिना किसी प्राइवेसी के अपने फ़ोन में 2 WhatsApp, 2 Facebook और 2 Instagram जो है वो चला सकते हो। अगर आपको पूरी बात नहीं समझ में आई होगी, यहाँ पे ऐप क्लोन इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, यहाँ से जो है आप लोग जाके सारी बातों को यहाँ से समझ सकते हो। अब चलते हैं थर्ड फीचर की ओर। थर्ड फीचर है दोस्तों हमारा एस कैप्चर। अब एस कैप्चर क्या है? ये बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है दोस्तों, ये एक मतलब एक जादू सा फीचर है। अब देखिए, 3 finger swipe स्क्रीनशॉट है एक ऑप्शन, तो सिंपली से आपको यहाँ पे सारे को यहाँ पे ऑन करना है। आपको मतलब जिस भी चीज़ को यहाँ पे ऑन करना है, तो फर्स्ट 3 finger swipe स्क्रीनशॉट मतलब ओपन करना है, और स्क्रीनशॉट फ्लोटिंग विंडो ओपन करना है। अब क्या होगा यहाँ पे कि जैसे ही आप लोग अपने मतलब फिंगर को नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे 3 finger को एक साथ, तो क्या होगा कि आपकी स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमारी स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो गई है। तो और दूसरा है कि आप अपने वॉल्यूम माइनस बटन को और पावर बटन को एक साथ दबाओगे, तो आप तो भी आपकी स्क्रीनशॉट जो है यहाँ से कैप्चर हो जाएगी, जैसा कि आप लोग इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे देख सकते हो। यह है 3 finger वाला और यह है हमारा वॉल्यूम माइनस बटन वाला। तो आप मतलब यहाँ से जो काफ़ी अच्छी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हुई ना कमाल के फीचर। अब चलते हैं दोस्तों फोर्थ फीचर की ओर, चौथे फीचर की ओर। तो दोस्तों, वह है हमारा वन हैंडेड क्या है? ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर, बहुत ज़्यादा कमाल का फीचर है दोस्तों। तो ये इसमें आपको सिंपली से एक फीचर बताने वाला हूँ, एक्सेस मिनी स्क्रीन यूजिंग गेस्चर, जो कि आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। इसी का जो है यूज वो सबसे ज़्यादा होता है।
अब एक्सेस मिनी स्क्रीन यूजिंग गेस्चर क्या है, यहाँ से सिंपली से इसको सबसे पहले ऑन करना है। अब जैसे ही ऑन करोगे तो आपको सामने से यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको अपने फिंगर को कुछ उस तरीके से स्लाइड करना है जैसे कि इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है। पहले मतलब लेफ्ट की तरफ जाना है और फिर कॉर्नर की तरफ जाना है, तो हम करके देखते हैं। पहले लेफ्ट फिर कॉर्नर। अब देखिए जैसे ही मैंने लेफ्ट और कॉर्नर किया, हमारी स्क्रीन जो है वो छोटी हो चुकी है, वो फुल वाली जो उसमें आपको ब्लर हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो जितनी मैं वर्क करेगी वो हमारी जो है वो छोटी स्क्रीन हो चुकी है। तो दोस्तों वन हैंडेड फीचर जो है वो भी काफ़ी कमाल का फीचर है। अभी ये इसलिए दिया गया है दोस्तों क्योंकि वीवो Z1 Pro की स्क्रीन जो है वो कुछ लोगों को थोड़ी सी बड़ी लगती है और उन लोगों को वो एक हाथ से चलाने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से क्या करना है कि आपको मतलब सिंपली से मतलब आपको जहाँ मर्जी वहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, जितने पे मतलब उतने पे एडजस्ट करके और फिर आप जो है वन हैंड से मतलब जो है वो यूज कर सकते हो। और फिर जब वन हैंडेड से यूज कर लो, फिर बड़ी स्क्रीन में आना चाहते हो, सिंपली से ऊपर कट का ऑप्शन है, कट कर दो और इससे क्या होगा कि फिर जो है आप लोग जो अपने बड़े स्क्रीन पे आ जाओगे। तो एक्सेस मिनी स्क्रीन यूजिंग गेस्चर को आप ऑन करके रखना, आप उसके बाद आप जब मर्जी चाहो तो ऐसे फिंगर को स्लाइड करके एक्सेस मिनी स्क्रीन यूजिंग गेस्चर को यूज कर लेना। तो अब चलते हैं फिफ्थ फीचर की ओर, पाँचवें फीचर की ओर। तो दोस्तों वो है हमारा स्मार्ट स्प्लिट। वह स्मार्ट स्प्लिट क्या है, इसमें भी आपको दो फीचर मिलते हैं, मैसेज स्क्रीन स्प्लिटिंग और मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट। अगर आप लोग मैसेज स्क्रीन स्प्लिट के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं इस पे वीडियो परमानेंटली एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट पे चलते हैं। मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट का मतलब ये है कि देखो दोस्तों, एस कैप्चर पर मैंने बताया था कि आपको थ्री फिंगर को नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करना है तो आपके स्क्रीनशॉट जो है कैप्चर हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ थ्री फिंगर को स्लाइड करते हो जैसा कि इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है। तो क्या होगा कि आपकी स्क्रीन जो है वो मल्टीटास्क करने लगेगी, यानी कि दो पार्ट में बढ़ जाएगी, ऊपर कुछ और चला सकते हो और नीचे कुछ और चला सकते हो, मतलब एक साथ दो दो ऐप मतलब चला सकते हो। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्लाइड थ्री फिंगर्स डाउनवर्ड टू स्प्लिट द स्क्रीन, नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसको यहाँ से ऑन कर लेना होगा। अब ऑन करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही थ्री फिंगर को स्लाइड करोगे, और देखो दोस्तों एक और इंस्ट्रक्शन याद रखना कि थ्री फिंगर को कब स्लाइड करोगे, जब आप जो है यहाँ पे नीचे कुछ ऐप्स दिए गए उन ऐप्स में हो, तो जैसे कि गूगल प्ले मूवीज़, टीवी, क्रोम, जीमेल, एमएक्स प्लेयर, वीडियोज़, मैसेजेस, WPS ऑफिस, फाइल मैनेजर, कैलकुलेटर, ब्राउजर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ट्विटर, मैप्स, इतने सारे ऐप्स में हो, तब आप जो है अगर थ्री फिंगर को नीचे की तरफ स्लाइड करते हो तो आपके स्क्रीन जो है वो मल्टीटास्क करने लगेगी। अभी मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं करके दिखाऊंगा तो। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी डिटेल्स में इस फीचर पे ही वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताते जाना, जो भी फीचर पे आपको वीडियो परमानेंटली चाहिए, डिटेल्स में चाहिए, उसके बारे में कमेंट में मुझे बताना, मैं उस पर परमानेंटली वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पे हमारा स्मार्ट मीटरिंग। अब स्मार्ट मीटरिंग क्या है, इसमें आप वाईफाई नॉट ओपेंड है तो मैं कैंसिल करता हूँ, क्योंकि मैं अभी डिटेल्स में बताने वाला, मतलब करके नहीं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे स्मार्ट मीटरिंग का मतलब ये है कि वीडियो मीटरिंग कर सकते हो, इमेज मीटरिंग कर सकते हो और म्यूज़िक मीटरिंग कर सकते हो। सिंपली से आपको स्क्रीन मीटरिंग को यहाँ से जाके ऑन करना है। अब ऑन करोगे तो ये वाईफाई को स्कैन करेगा, तो इसका वाईफाई को स्कैन करेगा। अब आप बोलोगे कि भाई वाईफाई को क्यों स्कैन कर रहा है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ इंस्ट्रक्शंस के, इसका इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो देखिए स्क्रीन मीटरिंग का मतलब यह है कि आप जो है अपने फ़ोन को अपने LED TV, अपने मॉनिटर या फिर अपने टैबलेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या होगा कि आप अपने फ़ोन में जो भी चीज़ चलाओगे, मानिए आप अपने फ़ोन में PUBG खेल रहे हो, तो आप वो खेल तो रहे हो फ़ोन में, लेकिन अगर आपने LED TV से कनेक्ट किया है, मॉनिटर से कनेक्ट किया है, तो क्या होगा कि आपके वो बड़ी स्क्रीन LED TV स्क्रीन पे PUBG चलेगी और आपके मॉनिटर पे PUBG चलेगी, आपके टैबलेट पे PUBG चलेगी, खेलो अपने फ़ोन में और देखो मतलब बड़ी स्क्रीन में, तो खेलने का मज़ा ही कुछ और आ जाएगा। उसी तरह आप लोग इमेज भी वहाँ पे चला सकते हो, म्यूजिक भी वहाँ पे देख सकते हो, चलाओ फ़ोन में और चलेगा आपकी LED स्क्रीन पे। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। तो स्क्रीन मीटरिंग को ऑन करना, वाईफाई स्कैन करना और फिर कनेक्ट हो जाए तो यहाँ से आप लोग जो भी चलाओगे वहाँ पे चलेगा। अगर अभी फिर भी नहीं समझ में आया तो यूज़र गाइड को यहाँ से सब पढ़ लेना, उसके बाद ऑटोमेटिक से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पे स्मार्ट मोशन। अब स्मार्ट मोशन में भी आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं जिस फीचर की अभी बात करने वाला हूँ दोस्तों वो है हमारा स्मार्ट वेक।
अब स्मार्ट वेक क्या है, स्मार्ट वेक में आपको कई सारे फीचर मिलते हैं, तो सिंपली सारे को आपको ऑन कर लेना है, सारा ऑफ होगा नए में और सारे को आपको ऑन कर लेना है। अब क्या होगा कि यहाँ से आप स्लाइड अप वन टू अनलॉक करोगे, तो मतलब ऐसे मतलब आपकी फ़ोन लॉक हो जाएगी, ड्रॉ सी करोगे लॉक। देखना दोस्तों एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना, ये जो है आपकी लॉक स्क्रीन में ही सारी काम करेगी, अगर आपके स्क्रीन की लाइट ऑफ है तो ही ये सारी काम करेगी। तो सारे पे टैप करके आपको देख लेना है कि वो कैसे मतलब यूजेस होगा। आपने ड्रॉ सी किया तो आपकी लॉन्चर जो है वो डायलर खुल जाएगी, आपने ड्रॉ एम किया तो आपकी म्यूजिक जो है वो चलने लगेगी। मतलब आप लॉक स्क्रीन में जो भी यहाँ से लिखोगे इसमें दिए गए वर्ड्स को, तो क्या होगा कि मतलब आपकी जो है वर्क ओपन हो जाएगी ऐप। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर यहाँ पे ऊपर हमें देखने को मिलेगा मोर सेटिंग्स में। मोर सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे एक फीचर आपको दिखेगा दोस्तों, सब ये फीचर जो है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है सारे फीचर्स में दोस्तों, इसका नाम है ई वारंटी कार्ड। अब ई वारंटी कार्ड क्या है दोस्तों, ई वारंटी कार्ड का मतलब ये है कि आपने आपके फ़ोन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस समय जो होगी कि आपको ई वारंटी कार्ड नहीं है और आपका बिल जो है, आपने बिल जो लिया फ़ोन को बाय करते समय आपको जो बिल मिला वो आपका मतलब कहीं पर रखा गया है दोस्तों। होता है हमारा बिल भी, मतलब मैंने बिल का उतना ध्यान नहीं रखता है कोई भी, और बिल को कहीं भी फेंक देता है या फिर कहीं भी रख देता है, और जब उसका मतलब ज़रूरत पड़े बिल का तो उस टाइम जो आपके बिल मिलती नहीं है। तो ई वारंटी कार्ड को अगर आपने इनेबल करके रखा है तो क्या होगा कि उस टाइम आपके फ़ोन के सर्विस की टाइम आपको बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर आप सर्विस करवाने जाओगे सर्विस सेंटर में वीवो की, तो क्या होगा कि उस टाइम आपके ई वारंटी कार्ड को देख के ही वो सर्विस कर देगा। यहाँ पे मोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि इवैल्यूएट टू अ पेपर वारंटी कार्ड, मतलब पेपर वारंटी कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, द पेपर वारंटी कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सर्विस। अगर आपने इसको इनेबल कर लिया तो पेपर जो होगी आपको बिल उसकी कोई भी जरूरत नहीं है सर्विस के टाइम में, तो इसको तो आपको इनेबल करके रखना है। मैंने इनेबल किया हुआ है इसलिए इनेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर आपने पहली बार इनेबल करना है तो उसमें वहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आएगा ई वारंटी कार्ड को खोलते ही, तो इनेबल कर लेना दोस्तों। ये काफ़ी कमाल का फीचर है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर है हमारा जोवी। अब ये जोवी जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर है, मतलब ई वारंटी कार्ड से थोड़ा सा कम लेकिन लगभग उससे भी अच्छा फीचर है। तो गेम मोड का मतलब ये है दोस्तों कि गेम मोड मतलब देखकर ना गेम मोड तो मतलब मज़ा ही आ जाता है कुछ गेम मोड से गेम खेलने का। अब यहाँ पे गेम मोड को ऑन करके सबसे ज़्यादा पबजी में ही दोस्तों गेम मोड रिक्वायर्ड है, क्योंकि और सभी गेम तो ज़्यादा देर की होती नहीं, पबजी ही आप आधा घंटा एक घंटा तक लगातार खेल सकते हो एक गेम को। तो गेम मोड को ऑन करके अगर पबजी खेलते हो तो काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों, अगर नहीं तो गेम मोड को ऑन करके अगर नहीं खेलते हो तो आपको तो डिस्टर्बेंस मिलेगा ही, मानो कोई कॉल कर दिया तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, आपको हो सकता है कुछ समय कोई किल भी कर दे पबजी। लेकिन गेम मोड को ऑन करके खेलोगे तो आपके मतलब फ़ोन पे फ़ोन आएगा ही नहीं, और उसको डायरेक्ट अगले बंदे को मैसेज चला जाए कि भाई अभी ये गेम खेल रहा है इसको बाद में कॉल कर लेना, तो वो ऑटोमेटिक से समझ जाएगा। तो फ्रेंड्स यही वो कुछ कमाल के फीचर्स है, कमाल के हाई रेंज फीचर्स है जो कि आपको वीवो Z1 Pro में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना जिस भी फीचर पे आप वीडियो चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।